किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है, कभी तरासते हुए अगर चटक गई जिंदगी, थोड़ी जान फूंक देना, मैं पूछता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की 31 अक्टूबर की सीरीज के अंदर। मैं हूँ आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करना है आपको और शेयर करना है। ये अपना एक चैनल नहीं है, अपना एक परिवार है, तो मैं अपने परिवार को सबसे बेस्ट सामग्री देने का प्रयास करता हूँ और उनका समय भी जाया नहीं करता ज़्यादा। तो आप भी प्रयास करें, अपने इस परिवार को और बड़ा करें और बेहतर करें और लोगों की मदद हो सके। इनकी करंट की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम ये यहाँ पर दे रखा है, कवि आदि गणेश। हिंदी लिखोगे तो आ जाएगा, लगभग 100 से ऊपर साथी अभी जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं और आपके लिए एक और सूचना, जल्दी ही आपके हिंदी के जो पार्ट है अपने उनके एक विशेष टेस्ट सीरीज भी चलेगी। शुरुआत करते हैं। हाल ही में फादर ऑफ योगा कहे जाने वाले परमहंस योगानंद पर स्मारक सिक्का किसने जारी किया है? निर्मला सीतारमण ने। वहीं हम बात करें कि हाल ही में रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारत ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही जिनका नाम क्या है, निर्मल पुर्जा, ने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया? और ये किस देश के हैं? नेपाल के हैं ये, निर्मल पुर्जा। बात करें अगले प्रश्न की, तो हाल ही में किसने हेल्थ प्रिवेंटिव टूल, यहाँ पर था हेल्थ प्रिवेंटिव टूल लॉन्च किया है? फेसबुक ने। अगला है, हाल ही में चिराग ने फ्रेंच ओपन में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। बात करें अगले प्रश्न की, हाल ही में संस्थान प्रबंधन रैंकिंग 2019 में राजस्थान का कौन सा संस्थान दुनिया का सबसे युवा संस्थान बन गया है? IIM उदयपुर का जो संस्थान है, ये जो रैंकिंग आई है उसके अंदर दुनिया का सबसे युवा संस्थान बना है जो कि राजस्थान में है। अगला और आखिरी, राजस्थान में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा पहली बार जयपुर फिल्म मार्केट का आयोजन कब किया जाएगा? 18 से 20 जनवरी 2020। शुक्रिया दोस्तों।